राधे राधे जी, गंगा दशहरा की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत करती हूँ आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन स्वर्ग से गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए यह महापुण्यकारी पर्व माना जाता है। इस बार साल 2020 में गंगा दशहरा पर सिद्धि और रवि योग नाम की शुभ योग बन रहा है। पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उस दिन 10 महाशुभ योग का निर्माण हुआ था, जिसमें ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गर और आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ राशि में सूर्य था। इस तिथि पर 10 प्रकार के शुभ योगों के साथ गंगा दशहरा पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा के दिन मंदिरों में भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। पवित्र गंगा नदी में स्नान कर मोक्षदायिनी गंगे की पूजा अर्चना की जाती है, किंतु महामारी संकट की वजह से इस साल श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगे का ध्यान कर अर्घ्य दें। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। यह दिन निर्जला एकादशी के ठीक एक दिन पहले पड़ता है। सनातन धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, अतः इन्हें माँ कहकर पुकारा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा मैया के नाम स्मरण मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। स्कंद पुराण में गंगा दशहरा का वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है। पुराण में लिखा है कि ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि संवत्सर मुखी मानी गई है, इसीलिए इस दिन किया गया स्नान और दान श्रेष्ठ होता है। इसी कारण ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा माँ की आराधना करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यह 10 प्रकार के पाप है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ब्रह्महत्या, छल, कपट, परनिंदा। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम गंगा दशहरा पड़ा है। दशहरा यानी कि 10 पापों के हरण होना। आज के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया जाता है और इस दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 2:37 तक है। इस दौरान आप स्नान, ध्यान और दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। एक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 स्कंध अनुसार राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी नापने के समय भगवान वामन का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया था। वहां ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्रीहरि विष्णु जी के चरण धोने के बाद जो जल धारा थी वह उनके चरणों को स्पर्श करती हुई 4 भागों में विभक्त हो गई थी। पूर्व दिशा में सीता, दक्षिण दिशा में अलकनंदा, पश्चिम दिशा में चक्षु और उत्तर दिशा में गंगा नदी के रूप में विभक्त हो गई थी। सनातन धर्म में गंगा जी को केवल नदी ही नहीं, उन्हें माँ का दर्जा प्राप्त है। माँ गंगे पाप नाशिनी और मोक्ष प्रदायिनी भी हैं। देव नदी गंगा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि वे भगवान श्रीहरि विष्णु जी के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनके शरण में जाने से सारे क्लेश मिट जाते हैं। जो कथा पुराणों में मिलती है वह इस प्रकार है कि देवी गंगा भगवान श्री विष्णु जी के चरणों से अवतरित हुई, इसीलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। जिनका पृथ्वी पर अवतरण राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए, उनके वंशज राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए।
राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पहले माँ गंगा को प्रसन्न किया, उसके बाद भगवान शंकर जी की कठोर आराधना कर नदियों में श्रेष्ठ देवी गंगा को पृथ्वी पर उतारा व अंत में माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में गई एवं देव नदी गंगा का स्पर्श होते ही भगीरथ के पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। राजा भगीरथ के तप के प्रभाव से गंगा मैया उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलाने हेतु धरती पर उतरी। ब्रह्मा जी से 23 पीढ़ी बाद और श्री राम जी से 14 पीढ़ी पूर्व राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही देवी गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, किंतु देवी गंगा का वेग था ऐसा कि उनके अतिवेग से वे धरती को चीरते हुए सीधे पाताल लोक में प्रवेश कर जाती। राजा भगीरथ जी का कठोर तप व्यर्थ हो जाता। फिर जाके राजा भगीरथ जी ने महादेव की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न कर उनसे आग्रह किया कि वे ही धरती को देवी गंगा के अति वेग से चीर होने से रक्षा कर सकते हैं। तब महादेव जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में समा लिया। फिर महादेव जी ने मैया गंगा को अपने जटा से एक छोटे से पोखर में मुक्त कर दिया, जहाँ से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। जहाँ जहाँ गंगा मैया को भगवान श्री हरि विष्णु जी के चिन्ह दिखाई देते, वहाँ वहाँ वे खींची चली जाती थी। राजा भगीरथ देवी गंगा ने उन्हें वचन दिया था कि वे उनके पीछे पीछे ही चलकर उनके 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगी। किंतु जब वे ऋषि जाह्नू के आश्रम के पास से चल रहे थे, भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम स्मरण और मंत्रोच्चारण सुन वह उनके आश्रम के तरफ खींची चली गई। परंतु देवी गंगा के वेग से ऋषि जाह्नू के कमंडल आदि बह गए और उनकी तपस्या भी भंग हुई। इससे क्रोधित हो वे तुरंत समस्त गंगा जल को पी गए। तब राजा भगीरथ ने ही जाह्नू ऋषि से आग्रह किया था कि देवी गंगा को धरती पर लाने और उनके 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने कई हजारों साल कठोर तप किया था, उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए, इसलिए उन्होंने ऋषि जाह्नू से आग्रह किया कि वे देवी गंगा को मुक्त कर दे। ऋषि जाह्नू ने राजा भगीरथ का आग्रह स्वीकार किया और गंगा जी को अपने कान से बाहर निकाला। अतः ऋषि जाह्नू की कन्या होने के कारण ही मैया गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव जी ने नारद मुनि जी, ब्रह्मदेव जी तथा भगवान विष्णु जी के समक्ष गीत गाया था, तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से देवी गंगा का जन्म हुआ था। मित्रों, ये थी मैया गंगा के उत्पत्ति से जुड़ी कुछ कथाएं। चलिए अब मैया गंगा की आरती सुने। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तीरी सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे सब जगो ज्ञाता, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक बार ही जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो जानित जाता, दास वही सधज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता।
प्रिय मित्रों, आशा है आज की यह प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक रही। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जोर से बोले, प्रेम से बोले, जय माँ गंगे, हर हर माँ गंगे।